हमारे चीफ गेस्ट जेपी नड्डा साहब, मिनिस्टर फॉर हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, हमारे मुख्य अतिथि डॉक्टर जितेंद्र सिंह साहब, आप दोनों का इंडिया न्यूज परिवार की तरफ से बहुत बहुत स्वागत है। देश के नामचीन डॉक्टर साहब इस शाम में आप जितने लोग शामिल हैं, आपके हिस्से में सम्मान है और आपने अपने फील्ड में इस देश की बेहतरीन सेवा की है। आप सबों का तहे दिल से खैर मकदम, बहुत बहुत स्वागत आपका। देखिए, सबसे पहले छोटा सा शोरील हम दिखाना चाहते हैं कि यह हेल्थ अवार्ड्स क्यों और इससे हम करना क्या चाहते हैं। हिंदुस्तान के सबसे बड़े नीतिज्ञ से लेकर सबसे पूर्ण महापुरुष कृष्ण तक, सबने स्वास्थ्य को सबसे बड़ा धन माना है। सबसे बड़ा सच यही है, आज भी तरक्की पसंद हिंदुस्तान को दुनिया का ताकतवर मुल्क बनाने के लिए जो सबसे जरूरी है वो है स्वास्थ्य। देश के लोग तंदुरुस्त हैं तो देश मजबूत होता है। समाज को निरोग रखने और देश को कुछ करने लायक बनाने के लिए डॉक्टर्स की भूमिका बड़ी मानी जाती है। आज की शाम उन लोगों के नाम जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र में बड़ा नाम कमाया। ये वो डॉक्टर्स हैं जिन्होंने अपनी प्रतिभा, लगन और सेवा की भावना से न केवल पेशे का मान बढ़ाया बल्कि उसका आदर्श भी बाकियों के सामने रखा। इंडिया न्यूज आज अपने सभी विजेता डॉक्टर्स को बधाई देता है और देश की तरफ से उन्हें शुक्रिया अदा करता है। एक अलहदा कोशिश है, एक अनूठा प्रयास है तमाम न्यूज चैनलों के बीच में, जब खबरों की आपाधापी रहती है और बहुत सारे तमाशे ड्रामे भी चलते रहे, उन्हीं के बीच में सिग्निफिकेंट न्यूज को लेकर के, आपके सवाल सरकार को लेकर के इंडिया न्यूज ने जो मकाम बनाया, फिर हमने इस बात की कोशिश की कि हमारी कुछ ऐसी पहल होनी चाहिए जो हिंदुस्तान के चैनलों के बीच में नहीं हुई, शायद उनकी समझ में नहीं आया या फिर उन्होंने ऐसी हिम्मत नहीं की, लेकिन हमें लगा कि नहीं, इस देश में कुछ ऐसी पहल होनी चाहिए जो जरूरी मानी जाती है और जिसकी तरफ हमारा ध्यान जाता तो है लेकिन कभी हम उस पर कोशिश नहीं कर पाते हैं, अमल नहीं कर पाते हैं, और इसी का नतीजा है यह अवार्ड जिसको आप हेल्थ अवार्ड्स कहते हैं। हिंदुस्तान में जाने माने ऐसे डॉक्टर्स हैं जिन्होंने बीमारियों के खिलाफ बड़ी लड़ाई लड़ी और हिंदुस्तान को एक सेहतमंद मुल्क बनाने में अपने पेशे का आदर्श स्थापित किया है। ऐसे ही डॉक्टर्स से ये शाम सजी है। इंडिया न्यूज की अनूठी और खबरों की दुनिया के भीतर समाज और देश की चिंता से जुड़ी एक खास पहल का नतीजा भी है ये शाम। ये शाम है इंडिया न्यूज हेल्थ अवार्ड की, जिसके मुख्य अतिथि थे भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा। स्वास्थ्य मंत्री ने इस मौके पर मुल्क की सेहत की बेहतरी के लिए किए जाने वाले सरकार के काम डॉक्टरों के बीच रखे। सबसे पहले तो ये जो इंडिया न्यूज का प्रयास है हेल्थ अवार्ड्स देने का, यह बहुत ही सराहनीय है, बहुत ही वंदनीय है और स्वागत योग्य है। इट्स ए वेरी वेलकम स्टेप, क्योंकि इसके माध्यम से जो हमारे डॉक्टर्स दिन रात काम करते हैं और जो एक तरीके से, ये ठीक है कि समाज में उनका नाम होता है लेकिन जब वो तपस्या कर रहे होते हैं तो एक अनामिकता के स्टेज में होते हैं। दे आर वेरी साइलेंट वर्कर्स एंड दे वर्क फॉर विथ लॉट ऑफ पेशेंस, तो ऐसे लोगों का रिकॉग्निशन होना जो स्वास्थ्य के जगत में परिवर्तन ला रहे हैं, यह बहुत ही अच्छा कदम है। मैं इसके लिए बधाई देता हूं। इज देयर एनी कंट्री इन द वर्ल्ड लाइक दिस विथ सो मच ऑफ पॉपुलेशन, विथ सच ए डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर, विद ए फेडरल स्ट्रक्चर, वेयर एवरीबडी हैज गॉट टू राइट टू डिसाइड अबाउट हिमसेल्फ,
एंड फार फ्लंग एरियाज। तो हमको सबसे पहले यह समझना पड़ेगा कि हम इसको कृपया करके किसी और से कंपेयर ना करें। हमारी अपनी स्ट्रेंथ्स हैं, हमारी अपनी वीकनेसेस हैं। हम चैलेंजेस की ही बात करें सबसे पहले, तो सबसे पहला चैलेंज तो यह है कि हमारे हेल्थ सर्विसेज की रीजनल डिस्पैरिटी है। साउथ इंडिया एंड वेस्टर्न इंडिया इज प्रिटी वेल इक्विप्ड एज फार एज द इंफ्रास्ट्रक्चर पार्ट इज कंसर्न, बट द सेंट्रल इंडिया, द ईस्टर्न इंडिया, द नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया एंड द नॉर्दर्न इंडिया, इसका डेवलपमेंट हेल्थ के इंफ्रास्ट्रक्चर टर्शरी हेल्थ केयर की दृष्टि से नहीं हो पाया है। इस मौके पर पीएमओ में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह भी विशेष मेहमान के तौर पर थे। ऐसे में लाजमी है सवाल उनसे भी हुआ, और माहौल से हटकर लेकिन देश के माहौल से बेहद जुड़ा हुआ सवाल। पूरा मुल्क सर लाइन में खड़ा है, गांव देहात से लेकर के महानगर तक। ये लाइन सर कब खत्म होगी? फैसले से कोई दिक्कत नहीं है, आम आदमी को फैसले से दिक्कत नहीं है, लाइन से दिक्कत है सर। ये लाइन कब खत्म होगी सर? मैं समझा था आप शायद कुछ कार्यक्रम संबंधित पूछेंगे लेकिन हुआ वही जिसका डर था। निकलते हैं किसी स्वास्थ्य संबंधी कार्यक्रम में तो पूछा जाता है कि साहब केजरीवाल जी ने ये कहा, आपका क्या उत्तर है? पर दैट्स लाइक ए गुड जर्नलिस्ट। अब इस उत्तर का यदि मैं इस कार्यक्रम के परिप्रेक्ष्य में उत्तर दूं तो मुझे लगता है कि डॉक्टरों की इस भीड़ में कतार का कोई माने नहीं। क्लिनिक्स के बाहर जो हमने कतारें देखी हैं वो इससे भी लंबी हैं, और इसलिए कभी कभी ये जब कहा जाता है कि साहब फलां कतार में फलां व्यक्ति की मृत्यु होगी, कोई कतार में खड़े थे तो इतने सारे मरीज हमारे सारे डॉक्टर्स की क्लिनिक के बाहर कतारों में खड़े होते हैं, कभी ऐसा सुनने को नहीं आया। तो मैं समझता हूं कि जब भी कोई नेतृत्व और नेता कोई फैसला ईमानदारी के साथ करता है, करेज ऑफ कन्विक्शन के साथ करता है, तो राष्ट्र और देश की जनता प्रेरित हो जाती है उसमें सहयोग देने। प्रधानमंत्री के दोनों खास मंत्रियों की मौजूदगी में देश के नामचीन डॉक्टरों को सम्मानित करने का सिलसिला शुरू हुआ और 19 अलग अलग कैटेगरी में इंडिया न्यूज हेल्थ अवार्ड दिए गए। हर शरीर में दिल है और इस दिल का ख्याल रखना बहुत जरूरी है, तो हम सबसे पहले उनको सम्मानित करने जा रहे हैं जो इस दिल का ख्याल रखने में हमारी मदद करते हैं। इस वक्त बहुत सारे एटीएम्स के बाहर लंबी लंबी कतारें हैं, लेकिन जिन डॉक्टर को हम सम्मानित करने जा रहे हैं उनके क्लिनिक के बाहर इससे भी लंबी लंबी कतारें लगती हैं। बिल्कुल लंबी लंबी कतारें लगती हैं, लेकिन वो जैसा सर कह रहे थे कि कतारें अगर स्वास्थ्य के लिए लगे तो उसके ज्यादा फायदे हैं, और उससे किसी को परहेज नहीं है, किसी को दिक्कत नहीं होती। सो हमारा जो फर्स्ट कैटेगरी है उसके लिए हम इनवाइट करना चाहेंगे एक्सीलेंस इन कार्डियोलॉजी, और उसके लिए हम मंच पर बुलाना चाहेंगे डॉक्टर पुरुषोत्तम लाल। डॉक्टर पुरुषोत्तम लाल मेट्रो ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल के चेयरमैन हैं। एक साइकिल की दुकान से दुनिया के मशहूर इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर पुरुषोत्तम की कहानी न सिर्फ संघर्ष से भरी है बल्कि उन लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत है जो मुश्किलों के आगे हार मान जाते हैं। डॉक्टर लाल ने 1997 में मेट्रो हार्ट इंस्टीट्यूट की स्थापना की। डॉक्टर पुरुषोत्तम को 1993 में पद्मश्री, साल 2003 में पद्म भूषण और साल 2009 में पद्म विभूषण सम्मान से नवाजा गया। Great honor. First, I will appreciate India News for taking this initiative to encourage us, to encourage doctors. And such kind of words, as you know, increases the responsibility. And giving and receiving a word from Union Minister is another great achievement for us. हमने दिल की बात कर ली मैत्री, अब उनकी बात करते हैं जो माँ बाप के दिल में बसते हैं, छोटे छोटे बच्चों की बात करते हैं। बिल्कुल, और
उनके लिए यही बहुत बड़ा अवार्ड होता है कि उनके चेहरे, उनके बच्चे के चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाए, लेकिन एवरीबडी इज नॉट सो फॉर्चुनेट। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस समस्या से जूझ रहे हैं, इनफर्टिलिटी की समस्या से, लेकिन कुछ डॉक्टर्स है हु कम टू देयर रेस्क्यू और उनको हम सम्मान देना चाहते हैं। आज इस वक्त भारत में एक आकलन के मुताबिक करीब 2 करोड़ लोग ऐसे हैं जो इनफर्टिलिटी का शिकार है, और इसलिए हम एक्सीलेंस इन इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट के लिए सम्मानित करने जा रहे हैं डॉक्टर बिंदु गर्ग, अगर वो स्टेज पर आ सके। डॉक्टर बिंदु को इन विट्रो फर्टिलाइजेशन यानी IVF में 25 साल का लंबा अनुभव है। डॉक्टर बिंदु नीलकंठ IVF हॉस्पिटल के डिपार्टमेंट ऑफ रिप्रोडक्टिव साइंस की हेड हैं, साथ ही नीलकंठ ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल की को फाउंडर भी हैं। रिप्रोडक्टिव साइंस में पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टर बिंदु ने अब तक 10,000 से भी ज्यादा निसंतान दंपतियों के जीवन में आशा की किरण जगाई है। हम अपनी तरफ से पूरा प्रयास करते हैं टू इंक्रीज द अवेयरनेस दैट इट्स अ प्रॉब्लम, और इसको किस तरह से हम मैसेज में पहुंचाएं और किस तरह से हम एक मैसेज दें कि डिजीज, और किस तरह से लोगों को हेल्प करें। माई टीम ऑल ओवर, वी आर ओपनिंग मेनी सेंटर्स। और अब हम सम्मानित करना चाहेंगे डॉक्टर जयेश अमीन को। डॉक्टर जयेश अमीन, वुमेन इंस्टीट्यूट ऑफ इनफर्टिलिटी एंड गायनी एंडोस्कोपिक सर्जरी यानी विंग्स के क्लिनिकल डायरेक्टर डॉक्टर जयेश अमीन ने सौराष्ट्र के MP शाह मेडिकल कॉलेज से पढ़ाई की है। ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी में स्पेशलिस्ट होने के साथ ही इनफर्टिलिटी और इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में इन्हें महारत हासिल है। बीते 10 सालों में डॉक्टर जयेश के प्रयासों से सैकड़ों हजारों निसंतान दंपतियों के घर में किलकारियां गूंजी हैं। आज तक हम काम कर रहे थे, लेकिन अगर आपकी काम की जो सराहना की जाए, और ऐसे भी एक बड़े स्टेज पर अगर पूरे इंडिया में आपको सराहना कि आप सही मायने में अच्छा काम कर रहे हो, तो इतना अच्छा लगता है, इतना मोटिवेशन लगता है। वो भी एक अपने इंडिया के हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर श्री जेपी नड्डा के हाथ से आज अवार्ड मिला है। और हमारी अगली कैटेगरी है एक्सेलेंस इन कॉस्मेटिक एंड रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी। तो इसको ऐसे समझिए कि जैसे हम एंकर्स को मेकअप आर्टिस्ट थोड़ा चमका देते हैं मेकअप करके, ये वो लोग हैं जो हमारे जैसे बहुत सारे लोगों को अपनी सर्जरी के जरिए या बिना सर्जरी के भी न सिर्फ उनका चेहरा चमकाते बल्कि उनका पूरा व्यक्तित्व चमका देते हैं, और इस कैटेगरी में हम जिनको बुलाने जा रहे हैं, प्लीज वेलकम डॉक्टर अनंत सिन्हा। बिगड़े चेहरों को प्लास्टिक सर्जरी के जरिए खूबसूरत बनाने में डॉक्टर अनंत सिन्हा के हाथों का कोई जवाब नहीं। झारखंड के रांची में 100 बेड वाला देव कमल हॉस्पिटल हेड एंड माइक्रोवास्कुलर सर्जरी का राज्य में इकलौता हॉस्पिटल है, जिसकी स्थापना अनंत सिन्हा ने की है। साल 2005 से अब तक डॉक्टर अनंत सिन्हा करीब 10,000 प्लास्टिक सर्जरी कर चुके हैं। सर, मुझे पता नहीं इतनी सर्जरी के बाद अब आप अपने पेशेंट्स को ही पहचान पाते हैं या नहीं। अच्छी पहल है, राज्य में बहुत सारे अवार्ड मिले थे, नेशनल लेवल पर शायद ये दूसरा अवार्ड है। उम्मीद करते हैं कि हमारी जो जनता हमारे साथ है, लेकिन थोड़ा सरकार जो उदासीन है, इस अवार्ड के बाद कुछ जागेगी। बहुत इच्छाएं हमारी टू कंट्रीब्यूट टू द ओन स्टेट, शायद और इम्प्रूवमेंट हमें इससे मिलेगा। मैत्री, जैसा हम कहते हैं कि खूबसूरती है तो उसको देखने के लिए वो नजर भी होनी चाहिए, लेकिन बहुत सारे लोग इतने खुशनसीब नहीं होते कि उनके पास वो दृष्टि हो, या फिर कई बार वो नेत्रहीन होते हैं या आंखों में कुछ कमी रहती है जिसकी वजह से वो देख नहीं पाते। बिल्कुल सही बात है, और इसीलिए अब हम उन्हें सम्मानित करने जा रहे हैं जिन्होंने आंखों के इलाज को नया मुकाम दिया, बल्कि इसके लिए सहारा भी लिया आयुर्वेद का, जो भारत की सालों पुरानी पहचान भी रहा है। तो अवार्ड इन एक्सीलेंस इन आयुर्वेदिक ऑफ्थेमोलॉजी कैटेगरी गोज टू डॉक्टर MS बासु। आयुर्वेद के जरिए आंखों की गंभीर से गंभीर बीमारी का इलाज करने के लिए जाने जाते हैं डॉक्टर MS बासु। आयुर्वेद पर सालों की रिसर्च के बाद डॉक्टर बसु ने ऐसी जड़ी बूटियां और भस्म खोजी हैं जो आंखों के लिए रामबाण साबित हुई हैं। डॉक्टर बसु ने आंखों के लिए ऐसे आई ड्रॉप और ओरल ड्रॉप भी बनाए हैं जो एलोपैथी की किसी भी दवा से ज्यादा कारगर है।
तक रेटिना का इलाज अभी नहीं है कहीं पर भी, पूरी दुनिया में नहीं है। इसको हम अपने दवाइयों से जो हमने रिसर्च की है आयुर्वेदिक आई डॉक्टर नाम से और दवाइयां आयुर्वेदिक हैं उसके द्वारा हम मोतियाबिंद को भी ठीक कर रहे हैं और साथ में रेटिना के अंदर कोई भी बीमारी हो उसको हम विद इन ए मंथ काफी हद तक क्योर कर देते हैं और कोई भी ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ती है। तो हमारी अगली कैटेगरी की तरफ बढ़ते हैं। बाल की खाल निकालने के लिए कितना हुनर चाहिए मुझे नहीं पता, लेकिन खाल पर बाल लगाने के लिए जिसे टेक्निकल टर्म में कहे तो हेयर ट्रांसप्लांट के लिए बहुत हुनर चाहिए होता है। बिल्कुल, लो बॉल्डनेस आज बहुत बड़ी समस्या हो गई है लोगों के लिए और गिरते बालों को बाल बाल बचाने का जिम्मा जो बखूबी निभा रहे हैं उन डॉक्टर्स को अब सम्मानित करना चाहेंगे। अगली कैटेगरी एक्सीलेंस इन हेयर केयर कैटेगरी के लिए हम सम्मानित करने जा रहे हैं रिच फील को। हेयर और स्कैल्प केयर के लिए देश और दुनिया में डॉक्टर अपूर्व शाह जाने पहचाने जाते हैं। डॉक्टर अपूर्व शाह देश के पहले सर्टिफाइड ट्राइकोलॉजिस्ट हैं और ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है जो लिम्का बुक में दर्ज है। डॉक्टर अपूर्व शाह किसी वजह से नहीं आ पाए तो उनकी टीम के कुछ लोग मैं रिक्वेस्ट करूंगा अगर स्टेज पर आ सके। डॉक्टर अपूर्व ने 1986 में रिच फील को स्थापित किया। आज देश के 25 शहरों में रिच फील की तकरीबन 80 क्लिनिक है। बहुत अच्छा इनिशिएटिव है बिकॉज आज तक इतने न्यूज चैनल्स आए किसी ने भी इस तरफ हम लोगों को मोटिवेट करना या हम लोगों को ऑनर करने का नहीं सोचा। हेल्थ इंडस्ट्री बहुत मेजर इंडस्ट्री कंट्रीब्यूट करती है अगर वर्ल्ड इकोनॉमी की बात की जाए तो, और इस तरीके से मोटिवेट करना और प्रोत्साहन देना अपने आप में एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। बाल बच्चे इसकी बात हमने कर ली लेकिन बाल बच्चों की बात करना भी बहुत जरूरी है तो हमारी नेक्स्ट कैटेगरी भी उससे जुड़ी हुई है। बिल्कुल, उन बच्चों की बात कर लेते हैं जिनके लिए पेरेंट्स बहुत चिंतित रहते हैं और जिनका ख्याल ये डॉक्टर्स ज्यादा अच्छे से रख पाते हैं अपने पेरेंट्स से भी ज्यादा, क्योंकि वो बच्चे बोल नहीं पाते, छोटे बच्चे हैं, रोकर ही सब चीज बताते हैं और माँ बाप को भी कई बार नहीं समझ में आता कि बच्चा रो क्यों रहा है तो वो डॉक्टर ही काम आते हैं। बिल्कुल, तो हमारी अगली कैटेगरी जो है वो इन डॉक्टर्स को समर्पित है यानी कि हमारे पीडियाट्रिशियंस को समर्पित है और उसके लिए मैं बुलाना चाहूंगी, प्लीज वेलकम ऑन स्टेज डॉक्टर कृष्णन चुग। गुड़गांव में फोर्टिस मेमोरियल रिसर्च इंस्टीट्यूट के डिपार्टमेंट ऑफ पीडियाट्रिक्स के निदेशक और हेड ऑफ डिपार्टमेंट डॉक्टर कृष्ण चुग का लंबा अनुभव है। 1977 में दिल्ली यूनिवर्सिटी से MBBS करने के बाद 1981 में पीडियाट्रिक्स में डॉक्टर चुग ने MD किया। डॉक्टर चुग कॉलेज ऑफ पीडियाट्रिक क्रिटिकल केयर के चांसलर पद पर रहे। इसके अलावा ये इंडियन कॉलेज ऑफ पीडियाट्रिक्स के डीन भी रह चुके हैं। हम सोचते हैं कि शायद पहले शुरू हो जाने चाहिए थे कुछ इस तरह के अवार्ड, दिल तो करता है कि मिले क्योंकि आप जो कुछ काम कर रहे हैं अगर कोई रिकॉग्नाइज करता है उसको किसको बुरा लगता है, और हम इतने सालों से जो कुछ करते आ रहे हैं उसके बारे में अगर यहाँ पे कुछ सबके सामने बोला जाता है और हमें कुछ ऐसा दिया जाता है बहुत अच्छा लगता है। और इसी कैटेगरी में एक और विनर हैं, हम बुलाना चाहेंगे डॉक्टर रवि मलिक को। देश के जाने माने बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रवि मलिक स्पेशलिटी रेडिक्स हॉस्पिटल के निदेशक और चेयरमैन हैं। डॉक्टर रवि मलिक एक शिक्षक के तौर पर भी पहचाने जाते हैं जिन्होंने कई रेजिडेंट डॉक्टर और पोस्ट ग्रेजुएट्स को अपने अंडर ट्रेनिंग करवाई है। इसके अलावा डॉक्टर रवि मलिक मैक्स हॉस्पिटल और पुष्पांजलि क्रॉसले में सीनियर कंसल्टेंट भी हैं। अपने 27 साल के लंबे अनुभव में डॉक्टर रवि मलिक ने अब तक 70,000 से ज्यादा बीमार बच्चों को नई जिंदगी दी है। इट्स अ प्राइड मोमेंट दैट आई एम पार्ट ऑफ दिस प्रेस्टीजियस फंक्शन। बड़ा अच्छा लगता है जब आपको उत्साहित किया जाता है, सो इट इज अ गुड अवार्ड एंड इट इज अ प्राउड मोमेंट फॉर मी। और अगली कैटेगरी हमारी जो है सुशांत, वैसे तो कहा जाता है कि पत्रकार हर खबर की एक्सरे कर लेते हैं लेकिन एक डॉक्टर्स वो भी हैं जो किसी चीज की एक्सरे हमसे भी कहीं बेहतर करते हैं। बिल्कुल, हम रेडियोलॉजी की बात कर रहे हैं जिसकी तकनीक से बहुत सारी ऐसी बड़ी बड़ी बीमारियां हैं जिनके बारे में आज पता चल जाता है और जिंदगी जो है वो
बच जाती है क्योंकि आपको पता चल जाता है कि बीमारी कहां है, क्यों है और किस वजह से है। तो हम इस कैटेगरी में सम्मानित करने जा रहे हैं डॉक्टर अशोक खुराना को, एक्सीलेंस इन रेडियोलॉजी कैटेगरी। डॉक्टर अशोक खुराना ने साल 1980 में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस से MBBS और 1984 में एम्स से ही रेडियो डायग्नोसिस एंड इमेजिंग में मास्टर्स किया। डॉक्टर खुराना ने डेनमार्क के हर्ले हॉस्पिटल में ट्रेनिंग ली और फिर उन्हीं अनुभव को समेटकर दिल्ली में विश्व स्तरीय अल्ट्रासाउंड सेवाओं वाले निजी अस्पताल की शुरुआत की। हर एक इंसान पब्लिक रिकग्निशन तो चाहता है, लेकिन जो रिकग्निशन मरीज की आंखों से मिलती है वो अवार्ड से नहीं मिलती, लेकिन जब अवार्ड मिलता है तो दिल खुश होता है कि चलिए मरीज के अलावा भी किसी ने नोटिस किया कि हम इस लायक हैं। शांत रेडियोलॉजी और ये तकनीक है, इसको देख के कभी कभी बहुत आश्चर्य होता है और कई बार तो हम दांतों तले उंगली दबा लेते हैं कि इतने अंदर तक शरीर के कैसे देखा जा सकता है। बिल्कुल, दांतों तले उंगली दबाइए, लेकिन उसके लिए दांत भी अच्छे होने जरूरी है। पता चला दांत बाहर आ गए। तो हम अब उनको बुलाने जा रहे हैं जो बत्तीसी तोड़ने में नहीं बत्तीसी जोड़ने में विश्वास रखते हैं, और इसीलिए उसमें हम अब एक्सीलेंस इन ओरल एंड डेंटल हेल्थ केयर में सम्मानित करने जा रहे हैं डॉक्टर तरुण गिरोटी। डॉक्टर तरुण गिरोटी ने कर्नाटक में बेलगाम के केएलई इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंस से 1999 में डेंटल सर्जरी में मास्टर किया। डॉक्टर तरुण गिरोटी दिल्ली के सिविल लाइन स्थित संत परमानंद हॉस्पिटल और ईस्ट ऑफ कैलाश स्थित अपोलो क्लिनिक में बीते 15 सालों से विजिटिंग कंसल्टेंट हैं। I think it's a great initiative. It helps to boost the confidence of the doctors, and they would definitely give a push. And once they are more recognized, everyone would want to be in that category. This is like an Oscar for our health industry, and I'm sure everyone would like to have it. बीमारी का जितना जल्दी पता चल जाए उतना काम आसान हो जाता है, मरीज के लिए भी, डॉक्टर के लिए भी, और डॉक्टर को भी कई बार बड़ी सहूलियत होती है कि अगर हाथ में रिपोर्ट्स हो और पता चले कि हाँ किस चीज में कमी है या क्या कमी है, वो अगर पता चल जाए। बिल्कुल, और ये श्रेय जाता है हमारे पाथ लैब्स को। हमारे पाथ लैब डॉक्टर्स इसके लिए बड़े मददगार साबित होते हैं, बहुत बड़ा हथियार है ये जानने के लिए कि आपको दरअसल मर्ज क्या है। इसके लिए हमारी कैटेगरी है एक्सीलेंस इन पैथोलॉजी, और इसके लिए हम सम्मानित करना चाहेंगे क्वेस्ट डायग्नोस्टिक्स। मरीज के नमूनों की विश्वसनीयता के साथ साथ जो कि अपनी जिंदगी की भलाई के लिए उनके पास पहुंच रहे हैं, लेकिन अब हम उन्हें सम्मानित करने जा रहे हैं जिन्होंने पूरी जिंदगी इसी काम में लगाई है और बेहतरीन ढंग से लगाई है। मेडिकल अवार्ड्स में सबसे सम्मानित अवार्ड माना जाता है BC रॉय अवार्ड इन्हें मिल चुका है। 2006 में इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। एक ऐसे डॉक्टर जो सबके दिल को समझते हैं। इंडिया न्यूज के हेल्थ अवार्ड्स में हम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड इन्हें देना चाहेंगे। वी वुड लाइक टू इन्वाइट डॉक्टर KK तलवार। मरीजों के दिल के सबसे करीब रहने वाले डॉक्टर KK तलवार किसी पहचान के मोहताज नहीं है। बीते 39 सालों से डॉक्टर KK तलवार दिल के मरीजों की सेवा कर रहे हैं। पद्म भूषण डॉक्टर KK तलवार मैक्स हेल्थ केयर में कार्डियोलॉजी के चेयरमैन हैं। तलवार वो पहले कार्डियोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने इम्प्लांटेबल कार्डियोवर्टर एंड डिफिब्रिलेटर थेरेपी को भारत के साथ साथ दक्षिण एशिया में 1995 में इंट्रोड्यूस किया था। इतना ही नहीं, डॉक्टर KK तलवार वो पहले डॉक्टर थे जिन्होंने साल 2000 में पहली बार CRT थेरेपी को इंडिया में इंट्रोड्यूस किया। Grateful to Indian News for this particular honor, and I am sort of also that our honorable minister sahab, Nadda sahab is here, and Dr. Jitendra Singh, who is also a medical professional, and we feel very proud, sir. So they are also around, and pehle to of course I dedicate this honor to my parents, my teachers, of course to my patients who gave me opportunity to serve them.
my family who supported me, and I think my absence from home most of the time. Media एक बड़ा powerful source है, health में भी जो इसकी बड़ा role है, particularly for educating the society. जो भी ailments हैं जो आते हैं, तो I think media can play a very positive and a great role so that people can be educated how you prevent your illness. बाकी youngster के लिए तो मैं यही कहूंगा, ये तीन चीजें जो हमारे medical profession में हैं sir, hard work, sincerity and dedication to the patient. आई थिंक ये एक प्रिंसिपल है जो हर एक मेडिकल ग्रेजुएट थोड़ा फॉलो करे एंड सर्विस टू द ह्यूमैनिटी. इस पूरे वक्त सर आपने जो योगदान देश को दिया है, हमें दिया है, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर. और मैं चाहूंगा यहां जितने लोग मौजूद हैं अगर एक बार खड़े होकर सर का हम सम्मान कर सकें. थैंक यू वेरी मच. और हम कार्यक्रम खत्म करें उससे पहले उनका शुक्रिया करना भी बहुत जरूरी है जिनसे कि इस चैनल का स्वास्थ्य भी कहीं ना कहीं प्रभावित होता है, जो स्पॉन्सर्स हैं. बिल्कुल, हमारे स्पॉन्सर्स, वी आर वेरी ग्रेटफुल टू यू. एक बार फिर उनका मेंशन हम करना चाहेंगे यहां पर. डॉक्टर ऑर्थो एसोसिएट स्पॉन्सर्स हमारे लाइफ बॉय, एलीट कंसल्टेंसी ग्रुप और netmeds.com और हेल्थ पार्टनर एरोगार्ड. और मैं सारे विनर्स से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप प्लीज रुकें, क्योंकि हम चाहेंगे कि स्वास्थ्य मंत्री साहब के साथ एक ग्रुप फोटो. लेकिन उसके ठीक पहले मैं डॉक्टर प्राची शेट्टी को मंच पर बुलाना चाहूंगा वोट ऑफ थैंक्स के लिए. इट इज अ कंटिन्यूस एंडेवर एट इंडिया न्यूज टू ब्रिंग फॉरवर्ड स्टोरीज ऑफ पॉजिटिव इम्पैक्ट. टुनाइट इज वन सच नाइट वेयर वी रिकॉग्नाइज द रियल हीरोज ऑफ दिस कंट्री, who away from the limelight continue to work tirelessly and quietly to keep India healthy. They say the good physician treats the disease, but the brilliant one treats the patient who has the disease. So a very big round of applause for our assembled fraternity of great and brilliant doctors. You are all truly rock stars in your own individual fields, and the evening truly belongs to you. It is our privilege to celebrate your contribution in the field of healthcare. On behalf of India News and its founder, Karthik Sharma, I would like to take the opportunity to thank our chief guest, Mr. J.P. Nadda. Thank you so much, sir, for being here with us tonight. We are also honored to have with us Dr. Jitendra Singh and Mr. Kuldeep Singh Dhatwalia. Thank you also so much. I thank the Elite Company, the sponsors, for supporting and believing in our idea of honoring the medical marvels of this country. All of our esteemed guests for being here and making the event a grand success. And finally, ladies and gentlemen, an event like this does not happen overnight. So for the very tireless work and meticulous planning, a very big thank you to the very motivated and dedicated team of NewsX and India News. Thank you so much. हम कार्यक्रम खत्म करें, लेकिन उससे पहले स्वास्थ्य मंत्री और डॉक्टर जितेंद्र सिंह के साथ हम चाहेंगे जितने लोगों ने अवार्ड आज हासिल किया है वो मंच पर आएं एक ग्रुप फोटो के लिए. Thank you so much.